हेलो माय डियर सैजिटेरियस। सो आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, या फिर करेंट पार्टनर हो गए, आपके क्रश हो गए, या फिर जो भी लव इंटरेस्ट है, ठीक है, लेटली या फिर बहुत टाइम से आप साथ में हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और ओवरऑल क्या सोचते हैं, वो आपके अंदर क्या बदलाव लेकर आना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ट्रू इंटेंशन इस पर्सन का क्या है, और डिवाइन मैसेज मतलब 5D मैसेज भी देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ठीक है। क्या यहाँ पे जो आप समय लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी पर्सनिंग बहुत ही आराम से बुक कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे कार्ड्स तो मैंने लिए हैं, लेकिन क्लैरिफाई करने के लिए मैं और भी कार्ड्स आप सभी के लिए ज़रूर से ज़रूर ले लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आपका फॉरगिविंग का, ओके। एंड ये फॉरगिविंग कार्ड क्या बता रहा है, तो देखिए गलतियाँ जो भी हैं होती, तो दोनों तरफ से कुछ कुछ गलतियाँ हो ही जाती है, ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम में सभी के अंदर थोड़ा ना थोड़ा एग्रेशन रहता ही है। तो हो सकता है कि गलतियाँ आपसे भी हुई हो, गलतियाँ इनसे भी हुई हो, लेकिन आपके पर्सन जो है अब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं जो भी इनसे गलती हुई है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं तुम्हें हर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथों को होल्ड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ब्लेम मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया, उस सारी चीज़ों को हटा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी एग्रेसिव या पैसिव एनर्जी है जो आपके पर्सन हमेशा हो जाते थे, अब वो सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब आपके पर्सन मुझे यहाँ पे अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत है, वो है पास्ट की एनर्जी। आप इनके पास्ट के बारे में डिस्कस करते हो, वो आपके पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ या फिर हो सकता है कि आप दोनों का खुद का पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना है। कमेंट में लिखिए कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या फिर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और कहीं ना कहीं वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, 11-11 लिखकर या फॉरगिव लिखकर भी, कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मुझे भी तुम माफ़ कर दो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। देख सकते हो इस एनर्जी को, एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राइंग अगेन। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, वो निगेटिव चीज़ था, उसको ख़त्म होना ज़रूरी था, लेकिन अब आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है खुद ही। जैसे आप दोनों अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्स हो गए, एक्स इज़ कमिंग बैक, मतलब आपके एक्स जो है, मतलब जो जिसे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली आपके एक्स हो सकते हैं, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन अपनी सारी इमेच्योरिटी को ख़त्म करके ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैलेंस लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैसा रिलेशनशिप ये आपके साथ बना सकते हैं, इट टेक्स टू, मतलब समवन इज़ नॉट कमिटेड, इनकम्पैटिबल एंड कॉन्फ्लिक्टेड। देखिए आपका पहला क्या था, पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना, ये क्या कार्ड बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब लाइक कमिटमेंट तो दिया, कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, ओके, कमिटमेंट तो दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ ना कि वो कमिटमेंट चला नहीं, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी आप दोनों को फील होने लगी, और उसी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। बात यहाँ पे ये था कि आप दोनों के अंदर कमी नहीं है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कमी नहीं है, कमी यहाँ पे थोड़ी सी सोच में हो गई थी, ठीक है, आप दोनों के अंदर कमी नहीं है, लेकिन आप दोनों जब साथ में होते थे तब कमी हो जाती थी, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, पर अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लाइक सब कुछ बदलने वाला है। जैसे कि सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर जेन्युइन फीलिंग जो है एक दूसरे को शो कर रहे हो, प्यार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले कुछ कार्ड्स लेंगे, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यूनिवर्स ने, पावर ने खुद ही मैसेज दिया है यहाँ पे, मैं देख के बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। ये देखिए कितने ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। लव कैन नॉट बी वन साइडेड। देखिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, इस बात का इस पर्सन को अब एहसास हो गया है। ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि प्यार जो है वो एक तरफ तरफा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं अब तुमसे प्यार करूँगा, मैं अपनी पूरी एफर्ट तुम्हारी तरफ दिखाने वाला हूँ, और तुम वो हो, यू आर द बेस्ट थिंग, तुम बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने मुझे दिया है, ठीक है। मेरे लाइफ का अगर यूनिवर्स
यूनिवर्सल का, यूनिवर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट देखा जाए तो वो तुम ही हो मेरे लिए, ठीक है। या इस ज़िंदगी में मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट जो अभी तक मिला है वो तुम हो। और यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपको, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, दैट्स अमेजिंग, बहुत ही ग्रेट मैसेज है। मतलब आपके पर्सन आपके लिए सेक्शुअली या सेंशुअल फीलिंग भी अभी बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, सो पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहे। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।